तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे रेडमी नोट 9 सीरीज़ के यूज़र हैं, यानी कि आप रेडमी नोट 9, रेडमी नोट 9 प्रो, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स इंडिया के यूज़र हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इन सीरीज़ में, यानी कि रेडमी नोट 9 सीरीज़ में 12.5 के एनहेंस का इंडिया अपडेट्स कब तक यहाँ पर रोलिंग आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक Redmi Note 10 सीरीज़ में से केवल एक ही डिवाइस में MIUI 12.5 का एनहांस का अपडेट यहाँ पे आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों डिवाइसेस की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा अभी तक वाइटे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाइटे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाइटे चैनल पे शॉमे की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज आती है वो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दे देता हूँ। तो आप सब जल्दी से मेरा वाइटे चैनल सब्सक्राइब और शेयर जल्द से जल्द आप कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडमी नोट 9 की। तो यहाँ पे Redmi Note 9 में ग्लोबल स्टेबल में MIUI का 12.5.2.0 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है विद 628 MB के साइज़ में। और इस अपडेट में जो हमें देखने के लिए मिलता है वो MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट है, यानी कि इसमें हमें एटोमाइज्ड मेमोरी यानी कि मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर मिलता है। तो हम इसमें 2 GB रैम को बहुत ईजिली इंक्रीज कर सकते हैं अपनी 2 GB स्टोरेज को कम करके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये ग्लोबल स्टेबल में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है 12.5 के एनहांस का ग्लोबल स्टेबल अपडेट फॉर रेडमी नोट 9। और ये सेम अपडेट इंडिया में बहुत ही जल्द आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू OTA फोन एंड्रॉयड वर्जन 11 डिवाइस मर्लिन आईएन ग्लोबल 12.5.2.0 RJO INXM स्टेबल बिल्ड। तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है रेडमी नोट 9 के लिए कि उनके लिए यहाँ पे 12.5 के एनहांस का अपडेट बहुत ही जल्द आ जाएगा, वो भी इंडिया में, और ये अपडेट ग्लोबल में तो आ ही चुका है। तो अब हमें केवल थोड़ा सा वेट करना है Redmi Note 9 के लिए। Redmi Note 9 के लिए 12.5.2.0 RJO INXM MIUI 12.5 एनहांस का अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे आ जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो ये बात होगी यहाँ पे Redmi Note 9 की। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं Redmi Note 9 Pro की। तो मैं आपको बता दूँ, Redmi Note 9 Pro में भी एक न्यू अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है, यानी कि MIUI का 12.5.1.0 का ही फिर से RJWINXM। तो आप अपना बीटा सेक्शन चेक कर सकते हैं, आपको भी ये अपडेट देखने के लिए मिल चुका होगा। और इस अपडेट का फुल रोल आउट भी हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। तो अभी के लिए केवल Redmi Note 9 Pro में यही अपडेट चल रहा है 12.5.1.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड 845 MB में। मगर अभी तक यहाँ पे Redmi Note 9 Pro से रिलेटेड MIUI 12.5 के एनहांस की कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन सामने निकल के नहीं आई है, क्योंकि इंडिया, ग्लोबल और बाकी हर जगह जहाँ पर भी Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S है, वहाँ पे MIUI 12.5 ही चल रहा है। वहाँ पे कहीं पर भी MIUI 12.5 का एनहांस का अपडेट नहीं आया है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो आपको थोड़ा सा वेट और करना है, क्योंकि Redmi Note 9 में तो आ चुका है 12.5 का एनहांस का अपडेट। तो होपफुली Redmi Note 9 Pro में भी हमें इसी ईयर के एंड तक, यानी कि हमें दिसंबर के महीने तक ही Redmi Note 9 Pro में भी 12.5 का एनहांस का इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल जाए। तो ये बात हो गई यहाँ पे Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro के इंडिया के MIUI के 12.5 के एनहांस से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लास्ट डिवाइस की Redmi Note 9 सीरीज़ की, यानी कि Redmi Note 9 Pro Max की। तो Redmi Note 9 Pro Max में इंडिया स्टेबल अपडेट 12.5.2.0 का चल रहा है, और वो अपडेट हमें सभी यूजर्स को देखने के लिए मिल चुका है। और उसके बाद एक और अपडेट यहाँ पे रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ है, वो भी केवल और केवल MI पायलट्स के लिए 12.5.2.1 का। और ये अपडेट केवल MI पायलट्स के लिए ही है, ये अपडेट हमें कभी भी पब्लिक में रिलीज़ नहीं किया जाएगा। तो इस अपडेट में हमें RJO INXM 458 MB में ये रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुआ, यानी कि 12.5.2.0 में हमें जो भी बग्स यानी कि सिस्टम परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी, तो वो वाली परफॉर्मेंस हमें 12.5.2.1 में इंक्रीज़ कर दी गई है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Redmi Note 9 Pro Max में। और ये जो अपडेट आया है ये भी एक नॉर्मली MIUI 12.5 है, ये 12.5 का एनहांस का अपडेट बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो अपडेट 12.5.2.1 है, इसमें हमें सितंबर का ही सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक ठीक ठाक सी बात है। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमें Redmi Note 9 Pro Max में 12.5 का एनहांस का अपडेट कब तक मिलेगा। तो ये Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max का बिल्कुल सेम टू सेम है, ये दोनों डिवाइसेस हमें केवल ग्लोबल में ही देखने के लिए मिलते हैं, ये दोनों डिवाइसेस हमें चाइना में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो हमें इस ईयर के एंड तक वेट करना है
इस ईयर के एंड तक हमें Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max में 12.5 का एनहांस का अपडेट जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, और Redmi Note 9 में MIUI के 12.5.2.0 यानी कि 12.5 का एनहांस का अपडेट हमें नवंबर के महीने में इंडिया में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो Redmi Note 9 सीरीज से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे वाइडे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरा वाइडे चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।